आज हम देखते हैं कि जो एक सोच पैदा हुई है कि पूरे के पूरे कंट्री में सिर्फ एक ही कानून होना चाहिए। आप देखेंगे अमेरिका जैसी कंट्री में जहां 50 स्टेट्स हैं, 50 के 50 स्टेट्स में अपने क्रिमिनल लॉज हैं। सिविल लॉज की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम क्रिमिनल लॉज की बात कर रहे हैं। हर स्टेट में अपने अपने क्रिमिनल लॉज हैं। और अमेरिका की बात कहां करें, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो lawsofindia.org इस वेबसाइट पर अगर आप जाएं तो सारे स्टेट्स के लॉज कानून दिए हुए हैं। आप देखेंगे इंडिया के हर स्टेट के बनाए हुए अपने अपने कानून हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में 1000 से ज्यादा कानून है। अगर आप टोटल करें तो 6667 कानून है जो स्टेट लॉज है। क्या पूरे इंडिया में एक ही कानून चल रहा है? तो नहीं। हम देखते हैं कि अपने अपने स्टेट्स की वहां की नीड के एतबार से, वहां की जरूरत के एतबार से अलग अलग कानून बनाए गए हैं। तो जब इतने सारे अलग कानून हो सकते हैं और अलग अलग कंट्रीज में हम देख सकते हैं, तो इंडिया जैसी कंट्री जिसके अंदर इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन है, इतने सारे धर्मों के लोग रहते हैं जिनकी अपनी अपनी कस्टम्स है, क्या इसे अकोमोडेट नहीं किया जा सकता कि उनके अपने लॉज बाकी रखे जाएं ताकि हर कोई अपने एतबार से अपनी कम्युनिटी में खुशी के साथ अपनी जिंदगी बिताए।